हाय फ्रेंड्स, नैनो सुमित ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, आज अष्टमी है और तो हमारा सबका व्रत है, तो इसलिए मैं आज बनाऊंगी पूजा की थाली। तो पूजा की मतलब व्रत की थाली, और उसमें मैं जो चीज़ बनाऊंगी आज मैं आपको वो दिखाऊंगी क्या क्या बनाते हैं। अपने लिए तो अकेले के व्रत में कुछ भी बना लो, और सबका व्रत है तो आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी मैं पूजा की थाली में, व्रत की में। तो ये मैंने रखे हैं, देखिए आलू करके रख दिए हैं, तो आलू रखी हूँ मैं उबलने के लिए। और मीठे में मैं बनाऊंगी, ये दूध लिया है मैंने, 1 किलो दूध है थाली देखिए, और ये समा के चावल मैंने, पूरा 1 कटोरी नहीं है, थोड़ा सा खाली है, ये मैंने भिगो के रखे हैं समा के चावल। और समा के चावल की और लौकी की बनाऊंगी आज मैं खीर व्रत के लिए। तो ये हमारी मीठे की रेसिपी है, और आज तैयार करते हैं फटाफट से थाली व्रत की। पहले रख रहे हैं हम दूध गर्म होने के लिए, देखिए इतने मैंने दूध गर्म हो गया, दूध रख दिया है थैली का खोल के मैंने गर्म होने के लिए। इतना मैं फटाफट से घिया को कस के मतलब छील के और धो के इसको कस लूंगी। और ये मैंने चावल अच्छे से 5-6 बार अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और ये वॉश करके रखे हैं, तो फटाफट से मैं छीलती हूँ लौकी को। लौकी को मैंने देखिए छील के अच्छे से धो लिया है, और अब इसको धोने के बाद मैं कद्दूकस कर लूंगी। और कद्दूकस करने के बाद धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही धो लिया है। अभी फटाफट से मैं इसको कद्दूकस कर देती हूँ। देखिए मैंने लौकी को घिया कस में कस लिया है, और अब मैं इसको दूध में डालूंगी। और मैं चावल भी डाल दूंगी देखिए दूध में। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। और इधर मेरे आलू हो रहे हैं, और मैं बनाऊंगी देखिए आज कढ़ी चावल, बट की बनाऊंगी कढ़ी। तो उसके लिए ये मैंने लिए दही, किशमिश में पहले ही डाल रही हूँ खीर में, क्योंकि किशमिश फूलेंगी तो इसलिए किशमिश हम डाल रहे हैं। और हम बादाम वगैरह डालेंगे बाद में, तो किशमिश फिर बाद में फूलेंगी नहीं सही से, तो किशमिश हमने डाल दी है। और इधर हम कर रहे हैं गैस चालू, देखिए। और ये लिया है हमने साबूदाना, 1 कटोरी है ये बड़ा, कि हम साबूदाने की देखिए बनाएंगे आज पराठे। तो साबूदाना को हम पीसेंगे, आटा बनाएंगे इसका। तो 1 कटोरी ये लिया है मैंने, और आधी कटोरी और है ये देखिए, तो 1.5 कटोरी साबूदाना हो गया है। इसको हल्का हल्का सा हम भूनेंगे, लाल नहीं करना है, कि हल्का हल्का सा भूनेंगे तो ये और पीसने में भी बहुत अच्छा हो जाएगा ये। तो इसको हल्का हल्का हम ऐसे भूनेंगे, क्योंकि इसको हम धो के नहीं भून सकते। और ये साबूदाना हमने देखिए ना तो ज़्यादा मोटा लिया है ना ज़्यादा पतला, ये बीच वाला साबूदाना हमने लिया है ये देखिए। तो इसको हल्का हल्का सा भूनेंगे, मतलब ऐसा भूनना है कि ये वाइट ही रहना है, लाल नहीं करना है इसको। देखिए इसको हल्का हल्का हमने भून लिया है, लगभग 5 मिनट हमको हो गए हैं, और देखिए ये वाइट ही है, लाल नहीं हुआ है। इसको भूनने से क्या है कि ये थोड़ा अच्छे से पिस जाएगा, और जब हम इसको ऐसे भूनते तो इसको कई बार पीसना पड़ता है, इसका आटा सही से नहीं बनता। भूनने से इसका आटा अच्छे से बन जाएगा। कम हमने इसको ये 5 मिनट हमने इसको ये भूना है, और देखिए हमने इसको लाल नहीं होने दिया है, और इसको हम निकाल लेंगे।
प्लेट में हम इसको ठंडा होने देंगे, अभी ये गर्म है ना, तो इसको हमें गर्म नहीं पीसना है। अगर हम गर्म पीसेंगे तो ये चिपक जाएगा, तो ठंडा करके हमें इसको पीसना है, इसका आटा बनाना है ठंडा करके। तो इसको रख देते हैं हम ठंडा करने के लिए। और ये हम थोड़ी सी देखिए मूंगफली को भुनेंगे, हम बनाएंगे चटनी ना, उसमें ये मूंगफली डालेंगे हम। ये भी भून के रख लेंगे, ये भी ठंडी हो जाएगी भून के रखने पर। और खीर को भी देखिए देख रहे हैं, बहुत टेस्टी लगती है। घी की खीर बनाएं चावल के साथ में मिला के, बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई करके देखना। मुझे घी की खीर बहुत अच्छी लगती है। और हमारे आलू भी उबल चुके हैं, देखिए आलू भी उबल चुके हैं हमारे, इनका पानी निकाल देते हैं, घी इतने ठंडे हो जाएंगे। पानी निकाल दिया है हमने आलू, मूंगफली भी देखिए भुनने लगी है, ये मूंगफली मैं भून चुकी हूँ, इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। घी इतनी ठंडी हो जाएंगी और इनका जो ये छिलका है ना ये हम उतार लेंगे, और ये इतनी ठंडी होंगी। और हम अब भिगोएंगे चावल, ये समाते देखिए चावल है, एक कटोरी चावल लेंगे हम। दो तीन बार अच्छे से हम इसको साफ करेंगे, जो भी गंदगी है वो निकल जाए। ठीक है, दो तीन बार हमने अच्छे से धो लिए हैं चावल को, साफ कर लिया है, और हम ये भीगने देंगे। ठीक है, ये हम काटेंगे बादाम, खीर हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाई है, लगभग पकी बन आई है हमारी खीर। और ये हम डाल देंगे इसमें बादाम, और ये डालेंगे हम इसमें चिरौंजी। इसमें हमने इसमें पहले ही डाल दी थी, बस थोड़ी देर और पकेगी खीर हमारी गाढ़ी हो गई है देखिए, और बहुत अच्छी एकदम से बढ़िया, देखिए कितनी अच्छी खीर तैयार हो गई है। और इसमें हम मीठा डालेंगे, और मीठा डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे तो खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये इसमें हम चीनी डालेंगे देखिए, आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाएं, देखिए कोई हल्का खाता है कोई तेज खाता है, उसी हिसाब से मीठा डालें। हमारे यहाँ मीडियम चलता है, ना ज़्यादा तेज ना लाइट, उसी हिसाब से मैंने इसमें डाला है। मेरे को ना छोटी वाली इलायची होती है जो हरी इलायची, उसको भी कूट के डालते हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है उसकी खुशबू, पर मैं नहीं डालूंगी इसमें क्योंकि बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, बच्चे नहीं खाते हैं। बस थोड़ी देर इसमें उबाल आएगा क्योंकि हमने अभी चीनी डाली है, हमारी खीर हो जाएगी तैयार। ये मैंने दही लिए कढ़ी के लिए, इसको मैं चला लूंगी अच्छे से, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा कुटू का आटा। देखिए आप सिंगाड़े के आटे की भी बना सकते हैं, राजगिरी के आटे की भी बना सकते हैं, मेरे पास है कुटू का आटा तो मैं कुटू के आटे की बनाऊंगी। ये मैंने इसमें कुटू का आटा मिला लिया है। देखिए एक साइड से खा के ना अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया सा बनाएं, और ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, हल्का फुल्का ही होता है। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है पानी, ये अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है। और अब हम इधर करेंगे कढ़ी की तैयारी। देखिए खीर हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम ये कर देंगे बंद चूल्हे को। और ये देखिए ये हमारी समा के चावल की और लौकी की खीर तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, बना के देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसी लगी। ठीक है ना, और हम करेंगे अब कढ़ी की तैयारी। तो कढ़ी में आप जो भी तेल लें, जैसे रिफाइंड यूज करते हैं या सरसों का तेल, कुछ भी आप जो भी छोंक में ले सकते हैं वो ले सकते हैं। मैं अभी इसमें रिफाइंड लूँगी क्योंकि मैं रिफाइंड में पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ, आलू वगैरह तो मैं देसी घी में बनाती हूँ,
तो मैं इसमें थोड़ा सा छौंक के लिए रिफाइंड यूज करूंगी। तो मेरा ब्रेड का रिफाइंड ब्रेड वाला, गैस ऑन कर देंगे। ये हमारा घोल तैयार है, देखिए चिकनाई हमारी गर्म हो चुकी है। और इसमें हम डालेंगे जीरा, ये साबुत मिर्च, ये देखिए मैंने हल्की सी चीड़ दी है बीच में से, अगर साबुत डालते हैं तो ये फटने लगती है। और ये हरी मिर्च काट के डाली है थोड़ी सी, क्योंकि देखिए व्रत में कुछ मसाले तो ऐसे पड़ते नहीं है कि कोई मसाले पड़ते हैं व्रत में। और ये है कड़ी पत्ता, आप देखिए जो भी चीज़ इसमें से अगर नहीं खाते हैं तो आप नहीं डाल सकते, डालना उसको। और ये हम डालेंगे इसको कड़ी का जो हमने पेस्ट बनाया है, चलाते रहना है, देखिए इसको चलाते रहना है, नहीं तो मठा से जो हम दही से कढ़ी बना रहे हैं वो फट जाएगी। तो इतने इसमें कलका नहीं आएगा, इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए कढ़ी में आ चुका है उबाल, खदका पड़ चुका है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, कि जो भी व्रत वाला मसाला होता है वो डलता है, और अपना स्वाद के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक, ये सेंधा नमक है व्रत वाला। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए मैंने धो के अच्छे से काट के रखा है। और ये डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, अदरक मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि अदरक बच्चे खाते नहीं हैं, नहीं तो बारीक बारीक कस के अदरक भी डल जाती है। और देखिए जो भी चीज़ मैंने इसमें डाली है, आप लोग जो नहीं खाते हैं, ऐसे कोई हरा धनिया नहीं खाता है, और तो जो भी अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। कुकर मेरा गर्म हो चुका है और ये इसमें मैं डालूंगी देसी घी, ये घी हो रहा है देखिए गर्म। इसमें डाल देंगे हम जीरा, कि जीरा भुनना है इसमें। और हम इसमें डाल देंगे चावल, हमने ये एक कटोरी चावल भिगोए थे। और देखिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही घी में भून लेंगे चावलों को। तो हमने एक कटोरी चावल डाले इसमें, इसमें हम डालेंगे दो कटोरी पानी, तो ये दो कटोरी पानी इसी नापे से हमने चावल डाले थे, इसी डोंगे में डालूंगी क्योंकि इसमें जो भी थोड़े बहुत चावल लगे हुए हैं वो सब इसी में पहुंचेंगे। ये देखिए हमने इसमें एक कटोरी चावल में हमने दो कटोरी इसमें हमने डाला है पानी। और इसमें हम आने देंगे एक सीटी, इसका ढक्कन लगा देंगे, बस एक सीटी ही आनी है, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब बनाएंगे हरे धनिया की चटनी, तो उसके लिए हम फटाफट से काट लेते हैं धनिया। देखिए एक सीटी आ चुकी है और गैस कर देंगे हम बंद। और इधर हमारी कढ़ी भी देखिए तैयार हो गई है, इसको भी हम बंद कर देंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है हमारा साबूदाना, और इसको हम इसका आटा बना लेंगे। ये हमने देखिए साबूदाने को पीस लिया है, और इसको इस तरीके से इसमें छान लेंगे, जो भी मोटा मोटा है ना ये इसमें चलनी में आ जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं चटनी की तैयारी, ये हमने लिया है हरा धनिया, और मैंने काटने के बाद भी देखिए दो बार फिर से धोया, एक बार पानी निकाल दिया था। और ये हमने हरी मिर्च धो के काट के रखी है, ये हरी मिर्च हो गई। और ये मूंगफली की गिरी जो हमने भूनी थी, भूनने के बाद इनका देखिए हमने छिलका सब साफ कर लिया है, भूनने के बाद सब छिलका उतर जाता है, ओके। और ये है इमली का पानी, नींबू नहीं है तो मैं इमली का पानी डाल रही हूँ, देखिए तो ये इससे खट्टी हो जाएगी। और ये थोड़े से हैं कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं देखिए, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ चटनी में। एक चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें, एक और दो दो चम्मच डालेंगे हम इसमें दही, और चटनी को हम पीस लेंगे।
ये चटनी हमने पीस ली है और कितना अच्छा कलर आया है चटनी का एकदम, और जितना अच्छा कलर आया है उतनी बढ़िया ये खाने में लगेगी। इसको इसमें खला लेंगे। देखिए हमने ना ज़्यादा पतली नहीं की है, तो किसी भी चीज़ में लो तो ज़्यादा पतली कर लेते हैं, आती नहीं है, बस हल्का सा, थोड़ी सी गाढ़ी है ना, तो हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको धो के हम इसमें कर लेंगे। तो चटनी भी हमारी तैयार। देखिए जो हमने आटा ये छान के रखा था, तो इसको हम तैयार करेंगे आटे को। ये खूब अच्छे से हो गया है। इसमें हम डालेंगे आलू, तो आलू को अच्छे से घिया कस करके डालेंगे हम, जिससे मोटा मोटा ना जाए, तो इससे ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। देखिए आलू मैंने कस लिए हैं, छोटे छोटे आलू थे तो इसलिए मैंने 6 आलू कसे हैं, 6 या 7 आलू होंगे जो मैंने इसमें कसे हैं। और इसमें हम डालेंगे जीरा थोड़ा सा, और हरा धनिया, और स्वाद अनुसार नमक, और पहले देखिए इसको हम हाथ से आलू में ही मैश करेंगे और फिर हम पानी मिलाएंगे इसमें। पानी हमने एक कटोरी लिया है, ये रखा, एक कटोरी पानी लिया है, क्योंकि देखिए ये साबूदाना होता है ना, ये पानी सॉफ करता रहता है, तो पहले हम आलू ही मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से। देखिए हमने आलू से जितना हमसे करा गया इतना हमने किया है ये, और साबूदाना मैंने कहा ना कि साबूदाना पानी बहुत सॉफ्टता है, तो देखिए पूरा आलू का ये सॉफ लिया है इसने। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, एकदम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे आटे को, थोड़ा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही, एक साथ पानी नहीं डालना है। देखिए कितना पानी लग रहा है इसमें, देखिए आटा हमने लगा लिया है, और ये हमने एक कटोरी पानी लिया था, पूरा एक कटोरी पानी लग चुका है आटे में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया साबूदाना पानी को सोखता है और इसमें बहुत पानी लग जाता है। अभी हम इसको लगा के आटे को तैयार कर लिया है, अभी इसको हम ढक के रखेंगे और उसके बाद ये और फूलेगा, इसको हम ढक के रख देंगे। ठीक, और इतने हम और तैयारी करते हैं, इसके बाद ये फूलेगा, जब हम और देखेंगे इसको दिखाएंगे आपको। देखिए हमारे चावल भी हो गए हैं तैयार, ये हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे बढ़िया से खिले खिले चावल बने, देखिए तो चावल भी तैयार हैं। अब करेंगे हम आलू तैयार। ये मैंने इसमें डाला देसी घी, जमा हुआ है घी, थोड़ा सा और डालूंगी। ये बनाऊंगी मैं जीरा आलू व्रत वाला, घी हो रहा है गरम, और मैं यहाँ पे इधर चूल्हे पे देखिए थोड़े से जीरे भूनूंगी, इसमें डालूंगी मैं जीरा, इतने ये जीरा भूनना है। देखिए घी में, देखिए मैंने ये भी जीरा भून लिया है, और इसको ना इसमें ये अदरक कूटने वाला है, मैं इसमें इसको करूंगी मेरा ये भी जीरा भून चुका है देखिए घी में, इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च, गैस थोड़ी तेज कर लिए, पहले गैस मेरी सिम पर हो गई थी, और ये हरी मिर्च भूनूंगी मैं इसमें, इतने ही हरी मिर्च भूननी है, इतने मैं देखिए जो मैंने जीरा भूना था सूखा, इसको इस पर कूटूंगी मैं, देखिए भुना हुआ जीरा ना डालें तो जीरा आलू बेकार है, फिर जीरा आलू वही अच्छा लगता है जिसमें सूखा भून के जीरे को और मोटा दरदरा सा कूट के आलू में डाला जाए। मिर्ची भुननी है और इसमें भुनेंगे हम आलू, मैंने छोटे छोटे आलू उबाले थे
और दो पीस में करे हैं, ज्यादा छोटे नहीं करे हैं। देखिए ऐसे करके ये दो पीस में मैंने आलू को काटा है, ये देखिए। और इसको मैं इसमें भूनूंगी, चाहे लोहे की कढ़ाई में भूनूं तो और अच्छे बनते हैं। अब मैं फिलहाल इसी में कर रही हूँ ये, इसमें सिल्वर की कढ़ाई में क्या होता है चिपक जाते हैं। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से चलाएंगे। ये सिल्वर की कढ़ाई है ना, देखिए इसमें लग गया है नीचे आलू। लोहे की कढ़ाई होती है या दूसरी वाली जो काली वाली कढ़ाई आती है ना, उनमें नहीं लगते हैं। नहीं तो देखिए मैंने घी भी काफ़ी सारा डाला था, बहुत अच्छे से भुन जाता है लोहे की कढ़ाई में आलू। और ये जो मैंने जीरा भून के कूटा था, ये देखिए ये डालूंगी मैं इसमें, और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च। ये हमारा जीरा आलू तैयार हो गया है देखिए। और अब देखेंगे हम अपने आटे को, जो हमने आटा तैयार करके रखा, पराठा बनाएंगे अब हम। लगभग हमारी सब चीज़ तैयार हो गई है, कढ़ी भी, जीरा आलू भी, और चटनी भी तैयार हो गई है, हमारी खीर भी तैयार हो गई है, और हमने आटा लगा के रखा। अब हमारे रहे हैं पराठे बनाने, तो हम आपको दिखाते हैं अपना आटा। देखिए कितना टाइट हो गया है, और मैंने खूब अच्छे से ढीला करके रखा था आटे को, और फिर भी थोड़ा इसमें हमें पानी लगा के करना होगा, हमें ये फूल गया है ना। आटे को देखिए मैंने कराया सही, और थोड़ा सा ये अब सॉफ्ट सा हुआ है, अगर लगेगा तो फिर बीच में लगा के पानी करना होगा। और अब मैं बनाती हूँ पराठा। ये मैंने इसमें लिया है कुट्टू का आटा, तो कुट्टू का आटा लगा लगा के मैं पराठा बनाऊंगी। देखिए तवे पे लगाएंगे हम थोड़ी सी चिकनाई, और ये डालेंगे हम इसमें पराठे को। मैंने देखिए गोल नहीं करा है किनारे, और ये क्योंकि साबुदाने का आटा है तो किनारे ऐसे हो जाते हैं, ये आप किसी भी कटोरी से या किसी भी चीज़ से काट के भी बना सकते हो, तो वो गोल गोल बन जाएगा। और नहीं मैं आपको दिखाती हूँ एक पराठा ऐसे बना के, थोड़ा सा इसको हम फिर मोटा लेंगे लोहे को। देखिए इतना मोटा हम रखेंगे, और किसी भी बर्तन की सहायता से आप, देखिए ये बाउल है, कटोरी है, इसकी सहायता से हम इसको इस तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल देखिए इतने अच्छे तरीके से ये बनेगी, ये देखिए, और इसको हम यहाँ पे सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छा आ रहा है फूल फूल के एकदम से। बहुत टेस्टी लगते हैं, और फ्रेंड्स आप भी देखिए ट्राई करके देखना। जो भी ये देखिए मैं पूरी थाली लगा के आपको दिखाऊंगी, और आप भी इस तरीके से पराठे बना सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए कैसा फूल के आ रहा है। दबा दबा के सेक देते हैं, देखिए फूल फूल के आ रहा है, और कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत सॉफ्ट है ये पूरा पराठा। हम आपको सेक के दिखाएंगे, देखिए कितना ही। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप खाते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और देखिए ज़्यादा चिकनाई भी नहीं लगती है, ज़्यादा भी चिकनाई नहीं लगती है।
देखिए ये बने मेरे पराठे और कितने अच्छे सिक रहे हैं। गोल गोल मैंने कटोरी से काट काट के मैंने इनको बनाया है और तीन तीन एक साथ, देखिए तीन तीन एक साथ बन रहे हैं। तो कितना सुंदर कलर आ रहा है इनका, देखिए तैयार होके ये सिक चुका है मेरा पराठा दोनों साइड से। देखो देखिए ये मैंने बनाए पराठे, ये देखिए और कितने अच्छे से और कितने सॉफ्ट हैं, देखिए कितने सॉफ्ट हैं एकदम। और मैं दिखा रही हूँ अपनी थाली जो मैंने लगाई है, ये है हमारी व्रत की थाली। ओके ये है जीरा आलू जो व्रत वाला मैंने बनाया है, और ये हमारी समा के चावल की और घी की खीर ड्राई फ्रूट डाल के जो मैंने बनाई है, और ये बनाई है मैंने देखिए कड़ी। अभी तो मैंने देखिए बिगर पकोड़े वाली कड़ी बनाई है, किसी दिन मैं आपको व्रत की कड़ी पकोड़े वाली भी बताऊंगी बना के कि पकोड़े वाली कैसी बनाते हैं। ये मैंने बिगर पकोड़े की बनाई है, और ये देखिए ये मैंने बनाई है चटनी, और सब चीज़ की रेसिपी मैंने आपको बताई है कि मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ बनाई है। और ये बनाई मैंने समा के चावल, और देखिए ये मैंने बनाए हैं पराठे साबुदाने के आटे के और आलू मिला के। ये मेरी होगी व्रत की थाली पूरी तैयार। देखिए फ्रेंड्स आपको मेरी व्रत की थाली कैसी लगी है, आपको मेरी व्रत की थाली अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैंने एक एक चीज़ की रेसिपी बताई है, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना नहीं भूलना। ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको कैसा ब्लॉग लगा हमारा ये पूरा। और जो भी चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ।